के त्यौहार को देखते हुए बाजार में जो भीड़ भाड़ रहेगी उसके लिए हमने अलग से एक्स्ट्रा जाप्ता भी लगाया है बाजार के अंदर पॉइंट्स पे, और जाप्ता को एक्स्ट्रा टाइम। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। शहर में दिवाली के त्यौहार के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि धनतेरस से मार्केट में भीड़ नियंत्रण करने के लिए सघन इलाकों के बाजारों में चार पहिया वाहनों के जाने पर पाबंदी लगाई जाएगी। साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद की जाएगी। वहीं प्रशासन द्वारा क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। त्यौहार को देखते हुए बाजार में जो भीड़ भाड़ रहेगी उसके लिए हमने अलग से एक्स्ट्रा जाप्ता भी लगाया है बाजार के अंदर पॉइंट्स पे, और जाप्ता को एक्स्ट्रा टाइम लेट तक ड्यूटी के लिए भी रखा है। पहले 8 बजे तक था, उसका टाइम भी बढ़ाया है। इसके अलावा हम लोग जैसे बाजार के मेन जो बाजार है उसके अंदर फोर व्हीलर वगैरह बंद करेंगे। आवश्यकता वैसे तो धनतेरस से करेंगे, बट पहले अगर आवश्यकता हुई बाजार में ज़्यादा भीड़ हुई तो पहले भी करेंगे। जैसे आगरा गेट से गणेश मंदिर की तरफ चूड़ी बाजार, पुरानी मंडी, केसरगंज चक्कर, उससे बड़ा जिस एरिया में भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो उसमें फोर व्हीलर वगैरह बंद करेंगे और पर्याप्त जाप्ता लगा कर पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। हाँ, सभी से ये कि जैसे फोर व्हीलर जो लेके आ रहे हैं कोशिश करें कि टू व्हीलर को अलाउ करेंगे तो टू व्हीलर लेके आए, और फोर व्हीलर लाए तो उसको निर्धारित पार्किंग है वहाँ से लगा के थोड़ा पैदल चल के बाजार तक जाए तो व्यवस्था बनी रहेगी और लोग आराम से खरीदारी करके त्यौहार को एंजॉय करें। अभी हटाया जा रहा है और पर्याप्त जाप्ता लगा के हम राउंड पैदल भी राउंड ले रहे हैं और उनको सड़क खाली रख के पूरी कोशिश है कि वो निर्धारित जो जगह है उसी पर खड़े रहे। इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. इस दिवाली घर आएगी खुशियां ही खुशियां। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैंड चिमनी की खरीद पर ग्लैंड चूल्हा 10 इयर्स गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री, साथ ही आरओ पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी श्री मार्केटिंग, बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। नमस्कार, मैं भावना चौहान आपको मेरी, मेरे परिवार की ओर से और मेरे भाजपा परिवार की ओर से दीपावली के इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि दीपावली के इस पावन पर्व पर जितना हो सके स्वदेशी चीज़ें अपनाएं और साथ में मिट्टी के दीपक जलाएं, साथ ही छोटे बच्चों को छोटे छोटे पटाखे ही दिलाएं और प्रदूषण का विशेषकर ध्यान रखें। धन्यवाद। एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं दिलावर चौहान आप सभी शहरवासियों को इस दिवाली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आप सभी से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दीपक जलाएं, और माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करता हूं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मुकेश आहूजा, आहूजा प्रॉपर्टी की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से धनतेरस व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली एक स्नेहमिलन भाईचारे का त्यौहार है, को सब मिलजुल कर मनाते हैं। माँ लक्ष्मी की सबके ऊपर कृपा हो, ये बहुत पवित्र त्यौहार है। साल भर इस त्यौहार का इंतजार किया जाता है, खासकर बच्चे इस त्यौहार का इंतजार करते हैं कि कब दिवाली आएगी, और ये बहुत एक पवित्र त्यौहार है। और एक निवेदन मैं वो करना चाहूँगा कि 2 साल से तो कोरोना काल में फटाखों पर बैन थी, सरकारी गाइडलाइन थी, इस साल कोई बैन नहीं है फटाखों पर, ग्रीन फटाखे जलाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना प्रदूषण फैल रहा है, तो ग्रीन फटाखे का यूज करें और बच्चों को साथ लेकर फटाखे छोड़ें। कोई भी हादसा होता है, दुर्घटना हो सकती है, तो बच्चों को निवेदन करूँगा मैं पेरेंट्स से, तो बच्चों को साथ लेकर फटाखे छुड़ाएँ। और एक निवेदन मैं और करूँगा कि आप देख रहे हैं जो गरीब परिवार के लोग, जो कच्ची बस्तियाँ हैं, कच्चे मकान हैं, जो झोपड़पट्टियाँ, जो फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं, उनके पास जाएं, उनके साथ दिवाली मनाएं, उनके बच्चों को फटाखे दें, कपड़े दें, मिठाइयाँ दें, उनके खुशियाँ बांटें। देखो उनके वो भी एक उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास भी कोई आएगा, हम दिवाली मनाएंगे और हमारे कोई फटाखे देगा मिठाई, तो उनके साथ खुशियाँ बांटें। देखो असली असली दिवाली तो वही है, जो वो खुश है तो अपन खुश हैं,
आज सर्दी का टाइम है, ठंड पड़ रही है, उनको कंबल भी देवें, रजाई भी देवें, उनके साथ खुशियाँ बांटें। देखो और जो बेचारे जो फुटपाथ पर ठेले वाले जो बेचारे जो दिवाली की सामग्री बेचते हैं उनकी मदद करें, उनके पास जाएं, उनकी उनसे खरीदारी करें, उनसे भाव टोल नहीं करें, उनसे खरीदारी करें, उनकी उनकी मदद करें। वो भी बेचारे साल भर का इंजॉय करते हैं, वार त्यौहार में कुछ चीज़ें बेचते हैं तो उनकी उनसे उनकी मदद करें, उनसे चीज़ें खरीदें, स्वदेशी अपनाएं। और पुणे में अजमेर जिले वासियों को, वार्ड वासियों को और प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नमस्कार। समस्त प्रदेश वासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से और मेरे समस्त गोवा वाइज स्टाफ की ओर से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार सच्ची श्रद्धा से अपन माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो मेरे सभी प्रदेशवासियों और शहरवासियों से यही निवेदन है कि इस बार लंपी वायरस के कारण गौ माँ ग्रसित है, तो कृपया करके उसकी सेवा कर और धर्म लाभ कमा। धन्यवाद। जितेंद्र अग्रवाल, एक बार पुनः मेरी और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मामनी, पार्षद वार्ड नंबर 2 से, भारतीय जनता पार्टी मेरी ओर से सभी वार्डवासियों को और सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को सभी भाईचारे से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाएं। कोरोना के 2 साल बाद ये त्यौहार वापस आया है और दो साल अपन इसको ढंग से नहीं मना पाए, तो अब सभी जोर शोर से मनाएं, सभी भाईचारे से मनाएं। एक बार पुनः सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। मेरे सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अजमेर वासियों को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा आपको पता है 2 साल से कोरोना चल रहा था, तो कोरोना काल के कारण दिवाली पूरी लोगों ने ढंग से ना मना पाए, पर अब कोरोना पे हम विजय पा चुके हैं। जैसे श्री राम प्रभु ने लंका पे विजय पाकर अयोध्या आए थे, उसी तरह से हमने भी पूरे देशवासियों ने कोरोना पे विजय पा ली है और हम 2 साल बाद स्वस्थ दिवाली मना रहे हैं। आपको सबको बधाई हो और श्री राम प्रभु की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, लक्ष्मी माता के अन्नभंडार आपके भरपूर हैं, मेरी यही प्रार्थना है। और एक विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फटाकों का उपयोग करें, खुले मैदानों में जलाएं। और एक आग्रह है छोटा सा मेरा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दुकानदारों से परचेसिंग करें, ऑनलाइन पर न जाके बाज़ारों में आएँ, बाज़ारों की रौनक बढ़ाएँ, ग्राहकी बढ़ाएँ और दुकानदारों का उत्साह बढ़ाएँ, जिससे लगे कि वास्तव में दिवाली है, दिखनी चाहिए। जैसे पुराने वर्षों में लगता था दिवाली है, उसी तरह से दिवाली दिखनी चाहिए। अभी सब ऑनलाइन परचेसिंग के कारण बाज़ार सुस्त पड़े हैं, तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप घरों से निकलें और जो भी आपको ख़रीदारी करनी है हमारे दुकानदार भाइयों से करें, जैसे उनका भी उत्साह बढ़े, उनका भी दिवाली त्यौहार बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से निकले। पुनः एक दफ़े आपको धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जनसेवा समिति अध्यक्ष हरीश गिद्वानी, पेन वाले। जय श्री राम।